मैं अभी झारखंड के एक महत्वपूर्ण शहर मधुपुर में हूं, और मधुपुर में एक से एक विभूतियां हुई हैं, लेकिन अभी मैं जिनसे बात कर रहा हूं, बात करने वाला हूं, वह है डॉक्टर उत्तम पीयूष। बहुत अच्छे कवि, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता। कई मुद्दों पे उन्होंने खूब खूब लड़ाई लड़ी है। आइए सीधे बात करते हैं और जानेंगे उनकी यात्रा के बारे में। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते शत्रुघ्न। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर मधुपुर की बात, मधुपुर के बारे में इतना सोचते हैं, मधुपुर इतना आपके दिल में बसता है, अगर मधुपुर की बात करें तो सबसे पहले किन विभूति का नाम आपके जुबान पे, आपके जहन में आता है? मधुपुर एक नया शहर है। मैं कहता हूं कि बनारस, गया, हरिद्वार जैसे शहरों की तुलना में एकदम से नया शहर, जी करीब 150 साल पुराना शहर है। जाहिर है कि युवा शहर है, लेकिन इसकी जो बुनियाद रखने वाले लोग रहे हैं जी वे लोग कल्पनाशील थे। उनके पास कुछ ड्रीम्स थे, ख्वाब थे कि एक ऐसा खूबसूरत शहर बनेगा कि लोग इस पर इठलाएं। जी तो उनमें कुछ लोग बहुत याद आते हैं, जैसे नारायण कुंडू जी जी जो यहाँ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में आए, जी और उन्होंने यहाँ आने के बाद जो रेलवे ट्रैक बनना शुरू हुआ 1871 के आसपास, जी उस समय यहाँ के श्रमिकों को लेकर उन्होंने काम करना शुरू किया और शहर को धीरे धीरे बसाना शुरू किया। तो नारायण कुंडू जी जैसे लोग, या फिर नबी बख्श साहब जो यहाँ के रियासत के जमींदार हुआ करते थे, जी और उन्हें पहला, मैं कहता हूँ कि मधुपुर के पहले पानी पुरुष थे जिन्होंने 7 से अधिक तालाब बड़े बड़े खुदवाए, और मधुपुर में जो गांधी चौक का कुआं है, जो सबसे मशहूर कुआं है, जी वो एक रात में उसकी खुदाई करवाई और किसी के को पारिश्रमिक नहीं दिया। रात भर खुदाई चलती रही और उसको गांव वालों को लाकर उन्होंने कहा कि उसे खोद डालो, और सभी लोग खोदते गए और मिट्टी को अपने बैलगाड़ी पर लेकर जाते गए, और सुबह 5 बजे तक पानी आ गया। तो नबीबख्श साहब के पास भी एक स्वप्न था कि ये सूखा इलाका है, यहाँ पानी की बके बचाव के लिए, पानी को बचाने के लिए उन्होंने कोशिशें करी। इसके बाद मित्रा साहब आए जिन्होंने कि शहर को एक प्लान दिया, जिसको मास्टर प्लान बनाया, शहर को कैसे डिजाइन किया जाए, और फिर नगर पालिका का अभ्युदय हुआ 1909 के आसपास। तो उसके बाद 1925 में यहाँ महात्मा गांधी जी आए। तो इसके बीच में कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने मधुपुर को बनाने में, चाहे वो बंगाली समुदाय से हों या यहाँ के स्थानीय हों, सभी जी लोगों ने एक बड़ा योगदान किया है। आपने पानी की बात की, तो मैंने सुना है कि यहाँ का पानी जो है हमारे कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर को बहुत पसंद था, और एक खास तरह से शायद पंजाब मिल से यहाँ से घड़ों में भर के पानी भेजा जाता था उनके लिए, क्या हाँ, सही है? ये इसके कुछ दृष्टांत मिले हैं जी कि जो राजा जतींद्रनाथ, जिनके नाम पर महाराजा टैगोर पैलेस है, और अभी वो उसका स्वामित्व तो बदल गया है, पूर्व सांसद जनाब फुरकान अंसारी साहब उसके स्वामी हैं, लेकिन एक समय में उसमें एक ऐसा कुआं था जिसके बारे में बताया जाता है कि उस कुएं का पानी भरकर कोलकाता जाया था, कई कलसों में भरकर, और कलसियों को दूसरे किसी ट्रेन से वापस भेजा जाता था। तो एक्चुअली मधुपुर की ख्याति तब फैली जब बंगाल में और कोलकाता के लोगों को पेट की बीमारियां होती थी, और कोई जब यहाँ आते थे नारायण कुंडू सदृश लोग, तो उन्होंने जाकर जो लोगों को बताया कि यहाँ से जाने के बाद बड़ा सुपाच्य जीव है, बहुत बढ़िया वातावरण है, कि मैंने कितना मीठा पानी है यहाँ, कितना सुंदर वातावरण है यहाँ, प्रकृति ने इसे सजाया है। तो वहां के डॉक्टर जो लोग यहाँ कभी आते थे, उन मरीजों को लिखते थे प्रिस्क्रिप्शन में, दवा का नाम नहीं लिखते थे, बोलते थे मधुपुर जाके घूम आइए, यही प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता था। मधुपुर में वो लोग हवा बदल के लिए आते थे, इसलिए वो लोग चेंजर कहलाए। जो कलकत्ता जो एक बड़ा शहर बन रहा था, वहां की
गलियों में घुटन थी और पॉल्यूशन था, उससे बचने के लिए एक स्वच्छ वायु वाला छोटा सा कस्बा जो उन्हें बहुत भा रहा था। और ये शहर उनको इतना लुभाने लगा कि यहाँ उन्होंने बाद में अपनी कोठियां भी बनाई और यहाँ आकर बहुत सारे लोग बसे। आपने जैसा कि कहा कि रेलवे के कारण जो है मधुपुर बसा, तो रेलवे के कारण बहुत सारे देश में शहर बसे हैं, तो जो बाकी जो शहर हैं उनमें से मधुपुर क्योंकि रेलवे से रेल के कारण शहर बसा है, क्या अंतर पाते हैं आप, क्या आप देखते हैं कि बाकियों में और मधुपुर में क्या अंतर है? बेसिक अंतर ये मुझे लगता है कि बसाया गया शहर को बसाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जब 1857 का गदर हुआ और रोहिणी का विद्रोह हुआ, तो ठीक मधुपुर के थोड़े से आगे जसीडी के पास रोहिणी है जहाँ के सैनिक विद्रोह हुआ था, और उसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि हमें अब जल्दी से फौज भेजने के रास्ते क्लियर करने होंगे। उनको इससे मतलब नहीं था कि वो शहर बसाएंगे और आधुनिक बनाएंगे, ऐसा उनका कोई मंशा नहीं था। उनकी मंशा थी कि वो किस तरह आधिपत्य जमाएं और उनका साम्राज्य फैले और उस पर शासन कर सके। मधुपुर उसी की एक कड़ी है कि वो सैनिक विद्रोह को या जो देश में जो जनमानस में जो बेचैनी थी उसको दबाने के लिए रेल एक माध्यम था, रेल एक हथियार था। और मैं तो कहता हूं कि रेल मधुपुर का पहला सम्राट है। अगर यहाँ पर का कोई, जैसे यहाँ की उस समय में पाथरोल स्टेट हुआ करता था और बाभनगामा स्टेट हुआ करता था, ये सब स्टेट कहलाता था, लेकिन वो सब वहां से शासन करते थे। मधुपुर एक गांव था, कोई 200-500 लोगों का समूह, घरों का एक समूह था, मधुपुर कहलाता था। लेकिन ये अचानक से नक्शे पर आ गया जब इसका रेलवे करण शुरू हुआ और यहाँ पर से रेल की पटरियां बिछनी शुरू हुई, जंगल कटने लगे और लोग आने लगे, बड़े बड़े टेक्नीशियंस आने लगे, इलेक्ट्रीशियन और सिग्नल मैन और बाबू मोसाय और तमाम लोग जो आने लगे टीटी, और रेलवे के होने के कारण फौज भी पुलिस भी महकमा इनका आने लगा। लेकिन ये उनका उद्देश्य था। लेकिन मधुपुर अलग इसलिए होता है क्योंकि सौभाग्य से मधुपुर का कुदरती नजारा कुछ और है। मधुपुर समुद्र तल से लगभग 900 फीट की ऊंचाई पर है, और जब इसका जो इसे पठारी इलाका कहते हैं, तो नेचुरली यहाँ पर जो है विंटर जो है, जाड़ा जो है बहुत खूबसूरत होता है। अक्टूबर के मध्य से लेकर मार्च के आखिरी तक यहाँ विंटर ठहरता है और ये गुलाबी जाड़ों का मौसम यहाँ महसूस किया जा सकता है। अकारण नहीं है कि ये रेड जोन रोज जोन कहलाया था। गुलाबों की पट्टियां थी मधुपुर, बैद्यनाथ धाम, सिमुल तल्ला से करमाटांड तक, इसके इसे रोज जोन कहा गया। और यहाँ के जो रोज हैं, गुलाब हैं, कभी विक्टोरिया मेमोरियल में रखे जाते थे, इसके भी एविडेंस है, ये कोई गॉसिप नहीं है, ये एक सच्चाई है कि यहाँ के फूल टूट कर जाते थे और विक्टोरिया मेमोरियल में जब कोई इंग्लैंड से आती थी महारानी या कोई लॉर्ड या कोई और, तो उनके लिए वो रखा जाता था उनके इस पर टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर और ड्राइंग टेबल पर, वो गुलाब मधुपुर का होता था। तो ये खूबसूरती, यूं ही अख्तर मधुपुरी यहाँ के बड़े शायर हुए, संथाल परगना के बड़े शायर हुए, उन्होंने यूं ही रीझ कर नहीं लिखा या यूं ही नहीं कहा कि चमन जारे गुलो लाला यहाँ है, नए रंगी का मधुशाला यहाँ है, फसुने जुल्फे बंगाला यहाँ है, मकामे जलवा हाय हूर है ये, मकामे जलवा हाय हूर है ये, हमारा शहर मधुपुर है। वाह, ये ऐसे नहीं लिखी गई। यहाँ के पत्रों, यहाँ के अजय नदी, यहाँ की जयंती नदी, यहाँ के जालवे पहाड़, यहाँ का बुढ़े पहाड़, यहाँ का बकुलिया झरना, ये सब इसके हुस्न को और भी जवां करते हैं। यहाँ के जो चेचाली और रघुनाथपुर के जंगल हैं, जीतपुर के जंगल हैं, ये जगदीशपुर के पास, ये सारी चीजें मिलकर मधुपुर को इतना खूबसूरत और हसीन बनाते हैं कि 150 से अधिक लोगों ने यहाँ कोठियां बनाई। सर आशुतोष मुखर्जी ने यहाँ कोठी बनाई। यहाँ पर देवी प्रसाद सर्वाधिकारी आए, यहाँ पर लॉर्ड सच्चिदानंद सिन्हा आए,
यहाँ पर तमाम जो बुद्धिजीवी हैं बंगाल के वो आए, यहाँ पर हेमंत कुमार आए, यहाँ पर सौमित्र चटर्जी आए, यहाँ पर द्विजय मुखोपाध्याय आकर रहे, यहाँ पर कुंदनलाल सहगल आए, यहाँ पीसी बरुआ आए। तो यहाँ पर एक लंबी फहरिस्त है। अभी मुझे रिसेंट पता चला है कि भप्पी लहरी के बहुत सारे दिन यहाँ गुजरे हैं मधुपुर में, और कभी यहाँ पर महफिल सजती थी उनकी। तो मधुपुर आकर्षण का केंद्र इसलिए रहा कि लोगों को बहुत भाता था यहाँ की खुली सड़कें, मोरम वाली सड़कें, और जिस पर कि वो बिजली नहीं थी मधुपुर में, वही 60 के दशक में बिजली आई है, तो वो जो लैंप लगा रहता था उसमें रोज शाम में आकर वो म्युनिसिपैलिटी वाले लोग उसमें बत्ती जलाते थे, और भिस्ती जो है चमड़े वाले पीपे में लेकर वो पानी से पूरा धोता था शहर को, और चारों तरफ अमलतास, गुलमोहर और कचनार के वृक्ष होते थे, और यहाँ पर रात में टहलना किसी नरगिसी रात की तरह होता था। ये कोई मैंने बचपन में भी देखा। तो मधुपुर का हुस्न ही वो चीज है जिसे अन्य शहरों से शायद अलग करता है। आपने कहा, बताया कि मधुपुर को रचने वाले, गढ़ने वाले बहुत सारे लोग, आपने जब होश संभाला उस वक्त का मधुपुर और आज आज का मधुपुर, इसमें क्या अंतर बात है? पहले मधुपुर में जो बेसिक जो बुनियादी चीजें हैं कि मधुपुर में एक तो घर अलग दिखते थे, कॉलोनीज अलग दिखते थे, और बाजार अलग दिखता था। अब बाजार घर में आ गया है, और इस तरह से मधुपुर का जो सुकून है, मधुपुर की जो शांति है, मधुपुर का जो स्वच्छ जीवन था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है, शोर बढ़ता जा रहा है, और इस शोर के साथ साथ लोगों का जीवन स्तर चूंकि बहुत ही बेतरतीब है, इसलिए सारा बेतरतीबियत से बढ़ रहा है। दिखने में लग रहा है कि बिल्डिंग्स बन रहे हैं, लेकिन उसका जो एक प्लानिंग होता है, उसकी जो एक योजना होती है, उसकी जो एक सुंदरता होती है। अब पहले लोग यहाँ अक्सर घर के आगे में बागीचे लगाते थे, तो फूल होते थे उसमें, हरसिंगार होते थे, विभिन्न तरह के फूलों के साथ चिड़ियां आती थी, एक इकोसिस्टम था। धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि बेरोजगारी की वजह से, या हो सकता है कि लोगों की जनसंख्या के दबाव के कारण, शहर जो है अपने उस खुशबू को जिसके कारण मधुपुर मशहूर था वो अब नष्ट हो रहा है, और शायद इस पर बहुत कम लोगों का ध्यान है। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि मधुपुर को जो लोग विकसित करना चाहते हैं, चाहे वो नगर की तरफ से हो या और भी लोग हों, वो उसके जिनके पास एस्थेटिक सेंस नहीं है, सौंदर्य बोध नहीं है, सुंदरता की जो अपनी पहचान होती है, जिसके कारण मधुपुर कल तक इठलाता था, और आज भी आप इठलाते हैं कि मधुपुर ये था और वो था, तो मधुपुर आज कहाँ है? वो जादुईपन कहाँ चला गया? इसकी फिक्र धीरे धीरे घट गई है। और अब आप जैसे लोग अगर ये सवाल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत कम लोगों ने इस तरह से पूछा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि ये बहुत अंदर तक जाती है, चीजें छूती हैं अंदर तक, लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते। अतीत आपका सुनहरा था, ठीक है, आप इसे संजोकर नई पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? हम कचरे दे रहे हैं, हम एक अव्यवस्थित शहर दे रहे हैं। कभी मधु का कहा जाता है कि मधु सा मिठास था यहाँ। मधुपुर नामकरण ही दो कारणों से पड़ा है, एक मधु, बहुत ज्यादा यहाँ के जंगल थे और बहुत बहुत सारी मधु होती थी, हानी। अच्छा। तो मधु इतना अधिक मधु होता था कि इसका नाम मधुपुर कर दिया गया। एक और कारण बताते हैं कि जंगल था, जंगल तरी था, तो जंगल तरी में यहाँ पर सबसे बड़े जो जिनके पास कैटल था, माना गाय, बैल, भैंस, बकरियां, वो मधु नाम का ग्वाला था। अच्छा। और वो पहले कहा जाता है कि जिनके पास जितना पशुधन होता था उतना वो रसूख वाले होते थे गांव में, तो मधु ग्वाले के पास सबसे अधिक ये सब चीजें थी, गाय, बैल, भैंस, बकरियां, तो उनके नाम से ये बाद में मधुपुर हो गया। ये दोनों बातें संथाल परगना गजेटियर में उल्लेख किया गया है। अच्छा। ये भी गॉसिप नहीं है, पीसी राय चौधरी के गजेटियर को उल्टा लिया जाए तो वहां भी इसका उल्लेख है। तो इतना
सुंदर नाम पड़ा है मधुपुर, इसको तो पहले, बचाएं पहले इसको, इसके सौंदर्य में डूबते हुए जो अतीत में जो यहाँ की खुशबू जो थी या मिठास, उसमें डूबते हुए मैं चाहूंगा कि आपने निश्चित रूप से इतना मधुपुर बसा हुआ आपके दिल में कि आपने कुछ कविताएं लिखी होंगी, एक कोई कविता याद आए, कुछ पंक्तियां सुनाए। सीधे मैं मधुपुर पर मैं नहीं लिखता हूँ, लेकिन मेरे पास उस तरह से है कि मैं अपनी चीजों को कैसे पसंद करता हूँ और कैसे मुझे वो चीजें छूती हैं, तो उस तरह से मैं एक दो कविताएं, मैं मुझे स्मरण तो नहीं है, मैं किताब देखकर पढ़ सकता हूँ, तो मैं उसके इस क्रम में आखिरी में पढ़ दूंगा। मधुपुर को मैं एक तरह से अपना सबसे बड़ा स्प्रिंग टाउन समझता हूँ, जहाँ वसंत है, और शायद इस कविता का शीर्षक इसलिए मैंने बसंत रखा हो। मैं इस तरह की कामना करता हूँ कि ऐसा ही हो हमारा शहर भी और ऐसी हो पूरी पृथ्वी। पृथ्वी आज की तरह रहे हरी भरी, पृथ्वी आज की तरह रहे हरी भरी, जैसे तुम्हारे सीने में है ममता, ओठों पर है प्यास, बदन में है आग और आंखों में है झील सा सुकून, जैसे तुम्हारे अचरा में है देने के लिए कुछ चढ़ाए हुए फूल, जैसे तुम्हारे अचरा में है देने के लिए कुछ चढ़ाए हुए फूल, पृथ्वी आज की तरह रहे हरी भरी, जैसे सूरजमुखी पर उतर आए हो झुंड के झुंड सुग्गे, जैसे सूरजमुखी पर उतर आए हो झुंड के झुंड सुग्गे, झरबेरियों में ढूंढ रही है लड़की वासंती सपनों सा बेर, झरबेरियों में ढूंढ रही है लड़की वासंती सपनों सा बेर, उम्मीदों की तरह बिन रही हो भविष्य, उम्मीदों की तरह बिन रही हो भविष्य, पल पल खुद में पिरोती, पल पल खुद में पिरोती चंदा को सूरज को तारों की महफिल को, पल पल खुद में पिरोती चंदा को सूरज को तारों की महफिल को, सागर को सृष्टि को चिड़ियों की गान को, भोर और शाम को पलकों पे बिठाए लाती हो उलीच कर देने मुझे, जैसे किसान का हृदय बन गई हो तुम और धान बन गया है मेरा प्यार, और जैसे किसान का हृदय बन गई हो तुम और धान बन गया है मेरा प्यार, पृथ्वी आज की तरह रहे हरी भरी। मित्रों अंतिम पंक्तियां हैं कि गमगमाए रहें हाट बाजार, यही अपेक्षाएं हैं एक रचनाकार की समूची सृष्टि से, समूची पृथ्वी से, कि हमेशा गमगमाए रहें हाट बाजार, भरे हो बोतल सीसी किरासन तेल से, भरे हो बोतल सीसी किरासन तेल से, और गमछी में रोज हो कम से कम एक सेर चावल, कम से कम गमछी में रोज हो एक सेर चावल कम से कम, कभी नहीं लौटे कोई शाम को घर खाली खाली, कभी नहीं लौटे कोई शाम को घर खाली खाली, हुलास फूटे घरों से, हुलास फूटे घरों से बच्चे हंसे कपास की तरह, हुलास फूटे घरों से बच्चे हंसे कपास की तरह, नदी नहा कर लौटी स्त्री भरे अपनी मांग पुलक कर, हुलास फूटे घरों से बच्चे हंसे कपास की तरह, नदी नहा कर लौटी स्त्री भरे अपनी मांग पुलक कर, पृथ्वी आज की तरह रहे हरी भरी, पृथ्वी आज की तरह रहे हरी भरी, और वसंत पेड़ों पर नहीं भी, और वसंत पेड़ों पर नहीं भी तो आंखों में टिका रहे हमेशा, और वसंत पेड़ों पर नहीं भी तो आंखों में टिका रहे हमेशा, और वसंत पेड़ों पर नहीं तो आंखों में टिका रहे हमेशा। दरअसल ये कविताएं मधुपुर में मेरी परवरिश हुई, बचपन से मैं बड़ा हुआ तो मैंने महसूस किया यहाँ झरबेरियों के बेर को और वासंती सपनों को, और उल्लास जो
फूटते हैं घरों में जी, ये मैंने यही महसूस किया है, तो कविताएं तो यही समर्पित है। तो आप यहाँ पले बढ़े, तो आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म बिहार में बांका में हुआ। बांका जी, लेकिन मैं 6 महीने की उम्र में, 6 महीने में ही मैं यहाँ चला आया था। मैं गोद में था और मैं यहाँ चला आया था। तो वैसे भी तो जब आपका जन्म हुआ था तो ये भी बिहार ही था? हाँ, वो तो बिहार ही था। झारखंड तो हाल में बना है, 20 में। आपने अपने इस रचना में, कविता में, जिन जिन बातों बातों का, दृश्यों का उल्लेख किया, अब क्या क्या आप उन दृश्यों को अब नहीं देख पाते हैं, या अब नया अगर मधुपुर को फिर से कुछ चीजें जो आपने सोची होगी बचपन में या जवानी में, जवान जवान नए नए होंगे तो एक शहर के बारे में परिकल्पना आरंभ करता है, तो आपने क्या की थी, अभी क्या कमियां महसूस करते हैं? एक जो सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे समय का जो शहर था वो शहर आज ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है जी। और जो समाज या समूह या शहर या सभ्यताएं परिवर्तन नहीं करती वो ठहर जाती हैं। मधुपुर भी उन्हीं में से एक है जहां के परिवर्तन होते रहे हैं। हर 10 साल पर चीजें बदलती हैं, कभी कभी तो कहते हैं 10 कोस पर भाषा और पानी और बोली सब बदल जाते हैं जी। तो हमारे समय से अब 30-40-50 साल पहले की बातें अब तो नहीं ही होनी थी, और आने वाले 50 साल बाद भी बहुत कुछ बदल जाएगा जी। लेकिन जो मूल चीजें हैं, जैसे बनारस अपनी मूल चीजों को लेकर खड़ा है जी। जैसे हरिद्वार अपने मूल चीजों को लेकर खड़ा है, जैसे प्रयागराज अपनी मूल चीजों को लेकर खड़ा है, जैसे गया जी अपने मूल चीजों को लेकर साथ है, हम अपनी मूल चीजों को पकड़ने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं। बस इसी बात से बाकी शहर एम्बिशियस हुआ है, शहर के पास महत्वाकांक्षाएं हैं, शहर अब रेस में है, युवाओं के सपने हैं कि हम इस शहर को बढ़ता हुआ देखें, बनता हुआ देखें। लेकिन इस बनते हुए और बढ़ते हुए शहर को ये देखना होगा कि अपने अतीत में जो अपने दादाजी का चश्मा है वो टूटा न रह जाए, उनकी छड़ी जो है, उनके खड़ाव जो है, उसे हम बिसर न जाएं, हमारे संदूक में जो छोड़ कर गए थे हमारे पुरखे, हमारे लिए जो कागज, जो संपत्ति, जो मायने रखने वाली चीजें, उसे हम भूल नहीं जाएं, बस इसका ख्याल रखना है। अगर हम अतीत को इस तरह से भुला देंगे और सिर्फ वर्तमान की रेस में दौड़ेंगे तो ये अंधी दौड़ होगी और शायद हम भी कहीं खो जाएंगे। आपके मन में कितनी उम्र, किस उम्र में जो है शहर के बारे में, शहर से जुड़ने का, तो आप इतना मधुपुर के बारे में सोचते हैं, इस सोचने का सिलसिला किस उम्र से शुरू हुआ? मुझे लगता है कि मैं जब क्लास 7-8 में था उस वक्त से मुझे ये अच्छा लगता था कि मैं जिस मकान में रहा करता था जी। उस मकान के जो मालिक होते थे, तो मैं किराए में रहता था, तो वो उनका नाम था हरि कुमार गुहा जी। और वो बंगाली जमींदार थे, उनके उनका पुखुर भी था, पुखुर। तो मैं जिस साधनालय कैंपस में था उसमें 10-15 मकान थे, उसमें पीछे में पोखर था और वो पोखर के किनारे किनारे वृक्ष थे, इमली के वृक्ष, जामुन के वृक्ष, तमाम वृक्ष थे और बीच में पोखर था। तो वो 3-4 बजे का समय होता था जब वो गुहा साहब, जिनको फकीर बाबू बोलते थे, तो हम लोग चाचा बोलते थे उत्तम चलो माछ मारेगा, तो मैं उनके साथ चला जाता था और वो एक जगह स्थिर होकर वो सिगरेट, कागज वाली सिगरेट ऐसे यूं लपेट कर सिगरेट पीते थे और मछली मारते थे और स्टेट्समैन या टाइम्स ऑफ इंडिया ये वो पढ़ते थे। तो वो मछली में लगा दिया है बंसी और सिगरेट भी पी रहे हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ रहे हैं। मैं उनके आगे पीछे घूमता रहता था, बोलते थे शोर मत मचाना ज्यादा, और मैं कभी इमली पत्थर से तोड़ता था, कभी जामुन गिराता था, कभी कुछ करता था, वहीं पर आसपास खेलता था। तो वो जो उस समय में धूप, सुनहरी धूप गिरती थी तालाब पर और छन कर आती थी गाछ से, वो मुझे देखना, मुझे आज भी बचपन का वो सब एहसास होता है कि जल जल की भी मुर्गियां होती थी, जल मुर्गी, पन मुर्गी वो होती थी, उसमें मछलियां निकलती थी, शाम का समय होता था, वो चाय पिया करते थे और वो धूप का धीरे धीरे ढलना,
वृक्षों से निकलकर, तो मुझे उसका वृक्षों का हरापन वो मुझे आज भी याद है। तो धीरे धीरे मेरे पिताजी और मेरी माताजी आफ्टर डिनर यानी रात के समय में खाने के बाद उंगली पकड़कर टहलाने ले जाया करते थे। तो सड़कों पर जो आप टहलने निकलते थे तो वृक्ष की खुशबू, फूलों की खुशबू आती थी और चांदनी धवल रातें होती थी। तो चांदनी धवल रातों में पिताजी जो जूते पहनते थे उनके जूतों की आहट उस मोरम वाली सड़कों पर काफी एक अलग तरह का एक अलग संगीत होता था। इसका प्रकृति जैसे खुद संगीत में होती थी। तो मैंने ये महसूस करना शुरू कर दिया था, मेरे अंदर भी कोई आहट हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर कोई जन्म ले रहा है। मैं महसूस करने लगा था पत्तों को, फूलों को, चिड़ियों को, सूरज के उगने को, चांद को, पूरी जो एक खूबसूरती है उसका एहसास होने लगा था। और इस शहर ने मुझे शब्द बाद में मिले, भाव पहले मिल गए। तो शहर के बारे में जानना जो है, तो इतनी जानकारियां आपके पास है, तो वो जानने का सिलसिला जो है वो कैसे शुरू हुआ? बचपन से तो मैंने इस शहर को देखा ही है, महसूस भी किया है, और जाने अनजाने ये मेरे अंदर पैबस्त है। कैसे और क्यों इसे ठीक ठीक मैं नहीं बता सकता। मैंने कहा कि भाव पहले आए, शब्द बाद में आए, लेकिन शहर को उसके पूरी चेतना के साथ जानने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब मैंने इस पर शोध कार्य शुरू किया। मेरा जो PhD है, मेरा जो शोध कार्य हुआ जिस पर मुझे डॉक्टरेट मिली थी, वो मधुपुर पर केंद्रित है। और मधुपुर शहर और इसके आसपास के 300 गांव लगभग, इन सब को लेकर मैंने समझना और सीखना शुरू किया। मैं नदियों में उतरा, मैं जंगलों को मैंने पार किया, मैंने पहाड़ों पर अपने को महसूस किया, यात्राएं की, महिलाओं से मिला जो घूंघट वाली महिलाएं थी उनके साथ भी, और ऐसे ऐसी महिलाएं भी जो आदिवासी महिलाएं हैं जो यहाँ आसपास में रहती हैं, ऐसे पुरुष जो बांस बिनते हैं, जो कारीगर हैं, जो मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, जो बढ़ई हैं, जो माइक से बोलते हैं, इन जो साइकिल ठीक करते हैं, जो मोची हैं, जूता बनाते हैं, मोची राम, इन सब के साथ मैंने मुलाकातें की। और मुझे बहुत अजीब सा लगा कि सबके भीतर एक एस्थेटिक है, सबके भीतर एक सौंदर्य बोध है, सबके भीतर एक कोई चेतना है, और बड़े खूबसूरती से उन्होंने मधुपुर को संवारने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। तो मैंने अपने अध्ययन का काम जब शुरू किया, उसे विकसित करना शुरू किया, तो मैंने पाया कि मधुपुर मेरे थोड़े और करीब आ गया है। और दूसरा कि मैंने मधुपुर शहर पर लगातार फिर लिखना शुरू किया। एक दैनिक में मैंने कॉलम लिखना शुरू किया जो कि बाद में बहुत चर्चा में रहा, एक शहर मेरे आसपास। इसकी कई 100 कड़ियां आई और शहर के जन्म से लेकर आज तक मधुपुर को अलग अलग ढंग से मैंने जितना भी समझा, और मैं नहीं मानता कि मैं इतिहासकार हूं, मैं ये मानता हूं सर कि मैं इतिहास के बगल से गुजर रहा हूं। अच्छा, आखिरी प्रश्न इस कड़ी का, इस बातचीत की कड़ी का, कि दूसरे बहुत सारे शहर में आप जाते हैं तो दूसरे शहर को देखकर कभी तुलना आपने की? तुलना की तो क्या उसका नतीजा क्या निकलता रहा? नहीं, बहुत सारे लोग तुलना करते हैं कि उस शहर में ये है, मेरे शहर में ये नहीं है, बट मुझे तो ये लगता है कि मेरे शहर में जो है वो किसी के पास नहीं है। हो सकता है उनके पास जो हो मेरे पास ना हो, पर मैं बार बार कहता हूं कि मेरा जो मेरी जो चीजें हैं, मेरा मेरी जो सामग्री है, मेरा जो मेरी जो चीजें हैं वो उस पर मैं फिदा हूं। मेरा जो खटिया है उसी पर मैं बैठूंगा, मेरी जो साइकिल है उसी से मैं चलूंगा, मेरा जो ग्लास है उसी से मैं पानी पीऊंगा, मेरा जो गाछ है उसी के नीचे छांव में बैठूंगा। यह सब मेरा है, यह सब हमारा है, और जो हमारा है उसी फीलिंग के साथ मैं जीता हूं। और मुझे लगता है कि मधुपुर पर मुझे बहुत तरह से गर्व होता है। सोच सिकंदर उत्तर प्रदेश के बड़े शायर हुए, और ये एक बहुत अच्छा प्रसंग है कि वो मुशायरों में यहाँ आया करते थे, बड़े बड़े शायर आए, इरशाद काशिफ और अख्तर मधुपुरी का शहर है ये। यहाँ सोच सिकंदर जब आते थे तो उससे पहले कलकत्ता उतरते थे,
कलकत्ते के मुशायरों में हबीब हाशमी के साथ, सकलेन हैदर के साथ वो बैठा करते थे, और जब मधुपुर आते थे ऑल इंडिया मुशायरे में, तो वो कहते थे कि सुबह कलकत्ते में गुजरी और शाम मधुपुर में। सुबह कलकत्ते में गुजरी और शाम मधुपुर में, पी रहा हूं इल्मो फन का जाम मधुपुर में। सुबह कलकत्ते में गुजरी और शाम, चूंकि मुशायरा होता था यहाँ, तो सुबह कलकत्ते में गुजरी और शाम मधुपुर में, और पी रहा हूं इल्मो फन का जाम मधुपुर में। तो मधुपुर को इस तरह से लोगों ने प्यार किया है, तो भला मैं तुलना किसी से कैसे कर सकता हूं? यह अतुलनीय है, इनक्रेडिबल है, और मुझे बहुत प्यार है इससे, और मुझे किसी से तुलना करने की आवश्यकता भी नहीं है। बस मुझे यह है कि मैं अपने इसके पुराने अतीत से इसकी तुलना करता हूं, तो मुझे लगता है कि वो फिर से उसका सौंदर्य बोध लौट आए, बाकी जो प्रगति करे सो करे। अभी मैं मुखातिब था डॉक्टर उत्तम पियोही से, और आपने मधुपुर के बारे में जाना, मधुपुर से जो उनका प्यार है, जो प्रेम है, उस प्रेम को भी आपने जाना। ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, आज हमें यहाँ इसको विराम देना है, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि एक और रचना, अपनी एक कविता सुनाए डॉक्टर उत्तम पीयूष। धन्यवाद। अभी कोरोना काल से हम लोग गुजरे हैं, और हमने देखा है बहुत सारे लॉकडाउन, बहुत सारे सन्नाटे। जी, खुद मैंने शहर में कभी कभी, मैं लॉकडाउन के दौरान जब मैं गुजरता रहा हूँ 7 बजे 6 बजे शाम में, तो खौफ आता था। ये ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, विगत अप्रैल विगत मई की बात है। जी, ये कविताएं उन्हीं दिनों की है, और मैं, मुझे लगता है कि आदमी को आशावादी होना चाहिए, उम्मीदों से भरा होना चाहिए, और नई दुनिया की रचना के लिए लगातार बने रहना चाहिए। यह कविता अपने उन्हीं स्वप्नों को, उन्हीं उम्मीदों को समर्पित है। कविता का शीर्षक है देखना। देखना हम फिर मिलेंगे मेलों में, देखना हम फिर मिलेंगे मेलों में, आंखें मिलेंगी बातें होंगी कह कहे लगेंगे। देखना हम फिर मिलेंगे मेलों में, आंखें मिलेंगी बातें होंगी कह कहे लगेंगे, भर जाएंगे मुसाफिर खाने में लोग फिर से, भर जाएंगे मुसाफिर खाने में लोग फिर से, मस्तियां करती हुई लौटेंगी बच्चियां स्कूलों से भींगती हुई फिर से, मस्तियां करती हुई लौटेंगी बच्चियां स्कूलों से भींगती हुई फिर से, हजारों डेली पैसेंजर्स भरे होंगे प्लेटफॉर्म्स पर धक्कम मुक्की सुरों में सजे हुए फिर से, हजारों डेली पैसेंजर्स फिर से भरे होंगे प्लेटफॉर्म्स पर धक्कम मुक्की सुरों में सजे हुए फिर से। देखना, देखना मित्रों, ये मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, और ये संदेश भी है सभी लोगों के लिए कि जहां भी रहो टिके रहो, जहां भी रहो टिके रहो, दृश्य से अदृश्य तक, इतिहास से भविष्य तक, जहां भी रहो टिके रहो, दृश्य से अदृश्य तक, इतिहास से भविष्य तक, भोरम भोर तक जगे रहो, भोरम भोर तक जगे रहो, गपशप करते रहो, माटी सा रिश्ता है माटी जमा करते रहो, भोरम भोर तक जगे रहो, गपशप करते रहो, माटी सा रिश्ता है माटी जमा करते रहो, जहां भी रहो टिके रहो, जहां भी रहो टिके रहो, जहां भी रहो टिके रहो। अभी आपने रचना सुनी, इस बातचीत को यहाँ विराम देते हैं, जल्द ही डॉक्टर उत्तम पीयूष जी के साथ फिर बैठेंगे, और मधुपुर के बारे में उनकी उनकी जो रचना धर्मता है, जो क्या लिखते हैं, उनकी रचना प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, उनकी यात्रा के बारे में जानेंगे। लेकिन आज मधुपुर पर ये बात यहीं समाप्त करते हैं, फिर तब तक के लिए नमस्कार।